नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिलेज मसाला में। मैं एक बार फिर से अपने खेतों में आ गई। तो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो हम बहुत ही टेस्टी और हेल्थी सूप बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप बीमार हैं और या फिर आप जो है अपना वजन कम करना चाह रहे हैं और इस जाड़े में आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रेगुलर इस सूप का इस्तेमाल करें। ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है और आपके सेहत का पूरा ध्यान रखेगा। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिए अभी लाइक, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम सूप बनाने वाले हैं उसके लिए हम ये सब्जियाँ ले लिए हैं। तो सब्जियों में हमने ये फूल गोभी लिए हैं, फूल गोभी की कुछ कलियाँ लिए हैं, ये स्प्रिंग ओनियन है, हरा प्याज, तो हरा प्याज को ये हम अच्छे से साफ करके धुल लिए हैं, गाजर, प्याज, परवल, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और कुछ बीन्स लिए हैं। आप अगर इस सीजन की कुछ और सब्जियां अगर चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास इतनी ही सब्जियां अवेलेबल थी तो हमने इतनी सब्जियां ली हैं। और अब इन सब्जियों को हम क्या करेंगे दोस्तों कि बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे, क्योंकि सूप में जो सब्जियां होती है वो बिल्कुल बारीक कटी हुई होती है। तो पहले चलते हैं हम इन्हें बारीक काट लेते हैं। और सूप का फ्लेवर बढ़ाने के लिए यहाँ हम लिए हैं ये कुछ लहसुन की कलियाँ और अदरक। अदरक थोड़ा ज़्यादा लिए क्योंकि सर्दियों में हम इस सूप को बना रहे हैं और अदरक का स्वाद जो होता है सूप में बहुत टेस्टी आता है, तो अदरक को हम थोड़ा ज़्यादा लिए हैं। लेकिन इसको बिल्कुल बारीक काटेंगे। तो अभी हम सभी सब्जियों को, तो दोस्तों सब्जियाँ हमने बिल्कुल सब बारीक कट कर लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने। तो दोस्तों, सूप को बनाने के लिए हम ये एक भगोना लिए हैं। हम इसे कढ़ाई में नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास जो कढ़ाई है वह लोहे की है और लोहे कढ़ाई में काला पड़ जाएगा सूप, इसलिए हम इसे इस बर्तन में बना रहे हैं। और इसमें भी वो काफी टेस्टी बनेगा क्योंकि इसमें पानी की मात्रा भी हमें बढ़ा। तो आंच पर हमने बर्तन चढ़ा दिए, तो इसमें हम डालेंगे ये एक चम्मच के लगभग देसी घी। यहाँ पे हम बटर भी डाल सकते हैं, तो हमारे पास बटर नहीं था तो ये हम यहाँ पे देसी घी डाल रहे हैं। आप यहाँ पे ऑयल भी डाल सकते हैं। आंच का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे। घी पिघलने लगा है तो इसमें हम ये एक छोटा सा तेज पत्ता डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, बस इसे हम इसी तरह से फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं और बाद में इसे हम निकाल लेंगे। देखिए घी पिघल गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज और सफेद भाग, हरा प्याज का ये सफेद भाग, तो इसको हम डाल देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, इसे बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस केवल इतना पकाएंगे कि ये प्याज जो है हल्का सा मुलायम हो जाए, इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। क्योंकि तो हम सूप बना रहे हैं और सूप में जो भी सब्जियां बढ़ती हैं उसका थोड़ा सा कच्चापन फ्लेवर रहता है, तो काफ़ी टेस्टी होता है और ये काफ़ी फायदेमंद भी है। तो इसे हम बस थोड़ा सा पकाएंगे। तो प्याज को हम थोड़ा सा भून लिए हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और ये एक हरी मिर्च जो हम काटे थे इसे भी डाल देंगे। और इसे भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, लहसुन अदरक को हमें पकाना नहीं है, इसका कच्चापन थोड़ा थोड़ा बरकरार रहे जिससे इसका फ्लेवर बना रहेगा। तो इसे हम बिल्कुल नहीं पकाएंगे, इसे बस केवल मुलायम होने तक अधपका ही पकाएंगे। दोस्तों, आंच का फ्लेम हमेशा आप पहले शुरू में मीडियम ही रखें, नहीं तो सब्जियाँ जो है जल जाएंगी, क्योंकि इसे हमें भूनना है बिल्कुल हल्का। तो आंच का फ्लेम अगर हम हल्का रखेंगे तो ये अच्छे से भुनेगा, जलेगा नहीं। तो दोस्तों, ये अदरक लहसुन भी हमारा थोड़ा सा पक गया है, तो अब इसमें हम सभी सब्जियां एक एक करके डाल देंगे। तो ये हम सबसे पहले गाजर डाल देते हैं और उसके बाद ये बारीक कटा हुआ परवल, शिमला मिर्च और हरा प्याज का ग्रीन पार्ट, उसके बाद जो बची हुई सब्जियां हैं बीन्स, पत्ता गोभी और ये फूल गोभी, सभी सब्जियों को हम डाल देंगे। और इसे हम थोड़ा चलाते हुए थोड़ी देर इसको भूनेंगे और आंच बिल्कुल मीडियम रख देंगे, मीडियम लो रखेंगे। तो दोस्तों, ये सब्जियां को हम थोड़ा भून लिए हैं, तो अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। तो ये हम नमक इसमें डाल देते हैं और उसके बाद इसे हम थोड़ा नरम होने तक पकाएंगे। तो अभी पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसे धीमी आंच पर सब्जियों को बिल्कुल नरम और मुलायम होने तक पका लेते हैं पहले। तो इसे धीमी आंच पर हम थोड़ा सा पका लेंगे, यहाँ पे हम इसे ढक्कन लगा। तो सब्जियाँ दोस्तों पानी छोड़ दिए हैं और अभी ये अच्छे से मुलायम नहीं, तो थोड़ी सी इसे हम और थोड़ा पका लेते हैं।
थोड़ा सा और मुलायम कर देते हैं। तो अभी इसे हम लगभग एक से आधे मिनट तक थोड़ा ढक देंगे। तो दोस्तों सब्जियां हमारी अच्छे से मुलायम हो गई हैं, तो इसमें अब हम लगभग ये 1.5 लीटर के लगभग पानी डाल देंगे। ये हमारा जो जग है ये 1.5 लीटर का है, तो इसमें हम 1.5 लीटर के लगभग पानी डाल देते हैं। ये देखिए इसमें हमारी जो सब्जियां हैं ये बहुत ही अच्छे से जो है मात्रा में बहुत सही हैं, और 1.5 लीटर पानी भी इन सब्जियों के लिए बिल्कुल सही है। तो शुरू में तो पहले हम थोड़ा सा तेज़ आंच रखते हैं जिससे कि ये उबलने लगे, उसके बाद हम आंच को धीमा कर देंगे। तो अभी आंच को हम तेज़ कर देते हैं और इसे फिलहाल ढक देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों सूप में हमारे उबाल आ गया है, तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच के लगभग चीनी, और इसमें ये हम 1 चम्मच के लगभग काली मिर्च का पाउडर। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट हो गए हमारे सूप को पकते हुए, ये देखिए ये कितने अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर का आटा है, और इसे हम पहले पानी से घोल लेते हैं, उसके बाद इसमें हम डालेंगे इसे अच्छे से घोल लेंगे, और फिर सूप में धीरे धीरे करते हुए डालेंगे। कॉर्नफ्लोर का आटा डालने से सूप गाढ़ा भी होगा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से पहले हम इसे अच्छे से घोल लिए हैं, और अब इसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हुए डाल देंगे। और इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे, उसके बाद इसमें हम इसका स्वाद जो है थोड़ा सा और टेस्टी लाने के लिए, थोड़ा सा इसमें खट्टापन लाने के लिए इसमें हम ये 1 चम्मच के लगभग नींबू का रस डाल देते हैं, और इसे लगभग 5 मिनट तक और पकने देंगे, उसके बाद ये सूप हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला, पीने के लिए ये सूप बहुत ही बढ़िया टेस्टी तैयार हुआ है। और इसमें से अब हम तेज़पत्ता जो है निकाल कर अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सूप को आप जरूर बनाइए, अगर आपको अपना वजन कम करना है या आप बीमार हैं बहुत लंबे समय से और डॉक्टर ने आपके लिए जो है हल्के भोजन करने के लिए बोले हैं, तो आप इस तरह के इस सीजन में सब्जियों का सूप बनाकर जरूर पिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है और डाइट के लिए ही बहुत ही अच्छा है, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये सूप बहुत ही टेस्टी है और आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फायदेमंद है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों आपको हमारी यह सूप की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और ऐसे ही नए चटपटे रेसिपी के साथ।